नमस्कार आपुनी चाय से खबर महानगर मैं जयंत माधव गोस्वामी खंतेक पिछते दिल्ली मुख्यमंत्री रूपे शपथ ग्रहण करिब आतिशी दिल्ली राजभवन राजनिवास आतिशीर शपथ ग्रहण अनुष्ठान आयोजन आगबढ़ा स्वामी शपथ ग्रहण अनुष्ठान पोनपटिया सम्प्रचार जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आई वुड नाउ लाइक टू सीक द परमिशन ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर to start the proceedings. I would like to invite the Chief Secretary Delhi to read the Gazette notification relating to the appointment of Chief Ministers and Ministers published by the Ministry of Home Affairs, Government of India. Adhisuchana. नई दिल्ली 20 सितंबर 2024 K-A-4130 राष्ट्रपति सुश्री आतिशी को उनके शपथ ग्रहण करने की तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं FSU-11013/1/2020 UTL आशुतोष अग्निहोत्री अपर सचिव। अब मैं मंत्रीगण के नाम की अधिसूचना पढ़ता हूँ। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 सितंबर 2024 K-A-4131 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उस तारीख से मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जब से वे अपने पद की शपथ लेंगे। 1. श्री सौरभ भारद्वाज 2. श्री गोपाल राय 3. श्री कैलाश गहलोत 4. श्री इमरान हुसैन 5. श्री मुकेश अहलावत FSU-11013/4/2015 UTL आशुतोष अग्निहोत्री अपर सचिव। धन्यवाद। आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी टू चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट मिस आतिशी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister designate in the Council of Ministers, Shri Saurabh Bhardwaj. मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister designate in the Council of Ministers, Shri Gopal Rai. मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister designate in the Council of Ministers, Shri Kailash Gehlot. मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister designate in the Council of Ministers, Shri Imran Hussain. मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister designate in the Council of Ministers, Shri Mukesh Ahlawat. मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। So I would like to seek your permission to formally close the proceedings. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem.
আর ইয়া দিল্লির রাজভবনত আতিশিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করিলে লগতে আন পাঁচগৰাকী বিধায়কৰো শপথ গ্রহণ। উল্লেখযোগ্য যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অবশেষত স্থলাভিষিক্ত হল আতিশে। নিচেই সরু রাজনৈতিক পরিক্রমাতে সফলতার শীর্ষারোহণ আতিশের। দিল্লির সর্বকনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী রূপে আজি আতিশিয়ে ললে শপথ। ব্যক্তিগত জীবনও অতি চকুত লগা আপ নেত্রীগৰাকীৰ। 1981 চনৰ 8 জুনত দিল্লীত জন্মগ্রহণ করে আতিশিয়ে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক বিজয় সিং আর তৃপ্তা ওয়াহির কন্যা আতিশি। পিতৃ মাতৃয়েই আতিশির নামের সঙ্গে সংযোগ করেছিল মার্লিনা শব্দ। মতে মার্কস আর লেনিনের সংমিশ্রণ ঘটাই আতিশিতে যোগ দিয়া হয়েছিল মার্লিনা। 2018 চনৰ দেশের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে আতিশিয়ে নামের পর প্রত্যাহার করে মার্লিনা। নিজ কর্মরেই জনতার হৃদয় জিনিবলৈ নিজের নাম রাখিলে কেবল আতিশি। দিল্লির স্প্রিংডেল স্কুলের পর আতিশিয়ে গ্রহণ করেছিল স্কুলিয়া শিক্ষা। 2001 চনত দিল্লির সেইন্ট স্টিফেন কলেজের পর ইতিহাসত স্নাতক ডিগ্রি লাভ। 2003 চনত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পর সেভেনিং বৃত্তিরে ইতিহাসত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ। 2005 চনত তেও রোডস স্কলার হিসাবে অক্সফোর্ডর ম্যাকডালেন কলেজত অধ্যয়ন। 2013 চনৰ জানুয়ারি মাহত আপর নীতি প্রণয়নের কামত জড়িত হয়। 2015 চনত মধ্যপ্রদেশের খান্ডোবা জেলার জল সত্যাগ্রহর সঙ্গে জড়িত হয়। 2019 চনৰ লোকসভা নির্বাচনত পূব দিল্লী লোকসভা সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। 2019ত বিজেপির প্রার্থী গৌতম গম্ভীরের হাতত 4,77,000 ভোটের ব্যবধানত পরাস্ত হয়েছিল। 2020 চনত দিল্লির কলকাজি সমষ্টির পর দিল্লী বিধানসভালৈ নির্বাচিত হয়। 2020 চনৰ নির্বাচনের পিছত আপর গোয়া ইউনিটরও দায়িত্ব গ্রহণ করে। মনীষ সিসোদিয়া আর সত্যেন্দ্র জৈনের পদত্যাগের পিছত কেবিনেট মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ। কেজরিওয়াল কেবিনেটর 12টাক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের কার্যভার সম্পাদন। 2024 চনৰ 17 সেপ্টেম্বরত আপ বিধায়িনী দলের বৈঠকত নেতা নির্বাচিত হয়। লগেলগে দিল্লির সর্বকনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী রূপে পরিগণিত হল আপ নেত্রী আতিশি। মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনের পিতৃ মাতৃক গ্রেপ্তার। সোধা পোছার অন্তত দীপাঙ্করের পিতৃ মাতৃক গ্রেপ্তার পানবজার আরক্ষীর। অভিগুনা রেসিডেন্সির পর আটক করেছিল দীপাঙ্করের পিতৃ মাতৃক। বর্তমান পানবজার থানাত রখা হয়েছে দীপাঙ্করের পিতৃ মাতৃক। পিতৃর একাউন্টত বৃহৎ পরিমাণের ধনের লেনদেনের তথ্য লাভ আরক্ষীর। দীপাঙ্করের CA মহেশ আগরওয়ালাকু গ্রেপ্তার। ডিবি স্টক প্রবঞ্চনা সন্দর্ভত সোধা পোছা আরক্ষীর। এতিয়াও পলাতক হয়ে আছে মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মন। দবকাত পোহৰলৈ আহিছে আন এক প্রবঞ্চনার ঘটনা। ভুয়া বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান খুলি সর্বসাধারণক লুণ্ঠন এটা চক্রত। মোটা অঙ্কর বিনিময়ত দিয়ার নামত হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ। হুজাই আরক্ষীর অভিযানত আটক করা হয়েছে দুই ভুয়া প্রবন্ধকক। আটক ফরিজউদ্দিন আর নুরুন নেহার নামের দুই প্রবন্ধক। দুইরে পর জব্দ পাসবুক, গ্রাহকের তথ্যসহ বহু নথিপত্র। YBL আর YHM নামেরে খুলিছিল দুটা ভুয়া বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান। দবকার গণিপুর বাজার আর সামরালিত খোলা হয়েছিল শাখা দুটা। ট্রেডিংয়ের জড়িয়ে ধন বিনিয়োগ করা দেখাইছিল গ্রাহকক। এক্সিস ব্যাঙ্কত 1,00,000 কোটি টাকা জমা থাকার প্রমাণপত্র জব্দ করেছে আরক্ষী। প্রমাণপত্র ভুয়া নে শুদ্ধ তারও তদন্তত নামিছে আরক্ষী। ঋণ দিয়ার নামত রাইজর পর 5,00,000 টাকা লওয়ার অভিযোগ। ব্যাংকের লগত মই যোগাযোগ করেছিল, বেলেগ ব্যাংকে কইছে যে এটা ফেক ব্যাংক বলে, মিছলিয়া ব্যাংক, এটা কোনো ব্যাংক নহয়। আমার অসমত এটা একটা ষড়যন্ত্র করে আছে, সিহতে মানুষের পর মানে পয়সা লই আছে লোন দিবর কারণে। এটা লোন সোন একো হওয়া নাই, আমার পয়সাটা সেই ঘুরাই দিবর কারণে মই কইছো সে মোক দম দি আছে। এখন ফরিজউদ্দিনে 5,000 টাকা একাউন্ট খুলিলো, মানে ডাঙর একাউন্ট খুলিব লাগিব লাগিব 3,500 টাকা দিয়া মই দি দিলো। মোক বহুত কাগতি মিনতি করে আনিছে, তাই আনি পেলাই দিলো। দিয়ার পিছত 60,000 টাকা দিলো, তোমাক 1,50,000 টাকা দিলো SMS করলে মোবাইলে 1,50,000 টাকা, আর ইফালে 60,000 টাকা। আর উদ্দেশ নহয় ব্যাংকের টাকা তুলে উদ্দেশ নহয়, তো এটা ফ্রড ব্যাংক হিসাবে চলি আছে। তো তারপর আমি আরো ইনকোয়ারি করার পিছত গম পাইছো কি কিমান কিমান মানুষ তাতে ডিপোজিটে দিছে আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছে, তো ফেক হিসাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হয়েছে।
খবর মহানগৰত খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।